कुंभ राशि अप्रैल 2021। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर राशि चक्र की 11वीं राशि वायु तत्व की राशि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये अप्रैल 2021 का महीना कैसा रहेगा, जिसका प्रतीक है ये कुंभ। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2021 कैसा रहेगा विथ स्पेशल ट्रांजिट ऑफ गुरु इन कुंभ राशि। तो आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि आधारित है और ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा यदि आपके जन्म के चंद्र 11 नंबर के अंदर लिखा है कुंडली में, और कोई भी साल के अंदर 15 फरवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी कुंभ राशि के अंदर है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शनि ग्रह की ट्रांजिट से। तो शनि ग्रह का जो भ्रमण है वो मकर राशि के अंदर है, राशि से 12वें स्थान के अंदर है। 12वें स्थान में शनि थोड़ा सा फाइनेंस का प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव के अंदर पड़ती है। तो फाइनेंस में रुकावट, फैमिली में प्रॉब्लम, फाइनेंस की वजह से फैमिली में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या तो अन्य कोई वजह से भी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पारिवारिक मामले में केयरफुल रहना होगा। शनि 12वें स्थान में आपको रोग शत्रु पर तो विजय देने वाले होंगे, क्योंकि 6वें स्थान में शनि की दृष्टि आपके लिए शुभ होती है, रोग शत्रु पर विजय देने वाली होती है और भाग्योदय में थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे, क्योंकि 10वीं दृष्टि जो शनि की है ये आपके भाग्य स्थान में होगी। तो शनि ग्रह की शांति के लिए आपको क्या करना है? शनि जो नक्षत्र में चल रहे हैं अभी 2021 के अंदर, ये श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं, तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं। चंद्र का नक्षत्र जो है श्रवण, ये चंद्र का है और शनि जो चल रहा है श्रवण नक्षत्र में, तो शनि के लिए जो वार है वो शनिवार है। शनिवार और सोमवार आप 2 दिन बंदरों को खिलाएं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र की जो योनि है ये वानर योनि है। और चंद्र के लिए आपको करना है मंडे को खिलाना है। तो शनिवार और सोमवार 2 दिन आप बंदरों को खिलाएं। यदि आपसे ये प्रयोग करना पॉसिबल ना हो तो आप तेल का भी दान कर सकते हैं, गरीब लोगों में तेल का दान कर सकते हैं, अन्यथा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर भी दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, या तो जैसे भी आपको अनुकूल होता है आप सैटरडे और संडे 2 दिन डोनेशन करें। तो शनि ग्रह की शांति के लिए आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हो, सुबह शाम एक एक हनुमान चालीसा करें। तो प्रेडिक्शन में बात करेंगे सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का फल आपके लिए क्या होगा? सूर्य जो कि आपके धन स्थान के अंदर चल रहे हैं मीन राशि के अंदर, ये 13 अप्रैल की मिडनाइट को, रात को 2:35 को सूर्य चलेंगे आपके तीसरे स्थान के अंदर, आपकी भुजाओं के ऊपर साहस भुवन के अंदर। तो बदलने के बाद जो सूर्य का फल है ये आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। वैसे भी धन स्थान के अंदर भी सूर्य का फल इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो नक्षत्र में चल रहे हैं 31 तारीख की रात से चालू हुआ है, जो रेवती नक्षत्र में सूर्य चालू हुए हैं, ये खास करके 31 मार्च से चालू जो हुए हैं नक्षत्र रेवती में, ये सूर्य का ट्रांजिट कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए शुभ नहीं है। तो शनि का नक्षत्र जो है वो श्रवण है, वो भी पूर्व भाद्रपद वाले जातकों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि शनि 12वें स्थान में और वद नक्षत्र में चल रहे हैं और धन भाव के अंदर सूर्य शनि की दृष्टि में होने के कारण पारिवारिक मामलों में आपको विशेष केयरफुल रहना होगा, वाणी में संयम बरतना होगा और वो भी खास करके कुटुंब के अंदर आंखों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। इसके साथ साथ आपको आंख कान नाक दांत इत्यादि अंगों का भी विशेष केयर करना होगा, क्योंकि धनु स्थान जो है इसमें से पूरा फेस जो है वो आपका धनु स्थान में कवर होता है। तो सूर्य शनि से पीड़ित है और धनु स्थान के अंदर है, तो पारिवारिक मामलों में फाइनेंशियल मैटर में भी आपको केयरफुल रहना होगा। तो बदलने के बाद सूर्य जो 13 अप्रैल को बदल जाएंगे रात को 2:35 को, यानी कि तारीख हो जाएगी 14 इंडिया टाइम पर, तो संक्रांति इसको बोलेंगे मेष संक्रांति। तो मेष संक्रांति का जो पुण्य काल रहेगा वो सुबह में
सूर्योदय से लेकर दोपहर में 12 बजे तक रहेगा। तो इसमें आपको घोड़े को खिलाना है, और घोड़े को खिलाना पॉसिबल ना हो तो इस दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें, मंत्र करें ओम ह्रीम क्लीम सूर्य नारायण नमः। और बदलने वाली जो सूर्य ट्रांजिट है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने वाली होगी, क्योंकि जो पूर्व भाद्रपद है इसके लिए जो रेवती नक्षत्र है ये एक तो शत्रु योनि है और विपत नक्षत्र भी हैं। तो डबल साइड से पूर्व भाद्रपद वाले जो जातक हैं उनको डबल साइड से मार पड़ रहा है। एक शनि बारहवें स्थान में वध नक्षत्र में है और सूर्य जो है वो विपत नक्षत्र में है। तो 13 अप्रैल की रात को 14 तारीख की मिडनाइट को रिलैक्सेशन होगा पूर्व भाद्रपद वाले जातकों को। खाने में हरा वाला मूंग का प्रयोग करें। हरा वाला मूंग जो है वो आप कबूतर पक्षी जहाँ पर आते हैं उनको भी दे सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। हरा वाला मूंग और गुड़ मिक्स करके आप गाय को भी खिला सकते हैं। तो रेवती नक्षत्र की शांति के लिए गाय को मूंग खिलाना बहुत एक सुपर प्रयोग है, क्योंकि वैसे तो गज को खिलाना होता है, हाथी को खिलाना होता है, लेकिन हाथी को खिलाना पॉसिबल नहीं है आपसे, तो गाय तो इजी अवेलेबल प्राणी है और हर जगह जनरली मिल जाती है। तो मूंग जो है वो बुध का दान है, गाय को मूंग और गुड़ खिलाने से रेवती नक्षत्र की शांति होती है। तो बदलने के बाद सूर्य आपके लिए शुभ फल देने वाले होंगे, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फाइनेंस में रिलैक्सेशन करने वाले होंगे, फैमिली में प्रॉब्लम जो है उसको भी सॉल्व करने वाले होंगे, रिलैक्स करने वाले होंगे आपको। इतना भी रिलैक्स नहीं होगा क्योंकि शनि की तो दृष्टि आपके कॉन्स्टेंट चालू है, लेकिन सूर्य बदलने के बाद 50 अबव 50% आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो सूर्य के बाद बात करेंगे महत्व की एक ट्रांजिट इस मंथ के अंदर जो हो रही है गुरु ग्रह की। गुरु 5 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के अंदर आ गए हैं। तो कुंभ राशि में गुरु आपको आपकी राशि के अंदर कैसा फल देने वाले होंगे आइए जानते हैं इसके बारे में भी। तो राशि के अंदर आपके गुरु होने के कारण, आपके चंद्र के ऊपर गुरु आने के कारण आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आपके धार्मिकता में वृद्धि होगी। अविवाहित जातक हैं इनको विवाह के योग क्रिएट करेंगे। पंचम स्थान में गुरु की दृष्टि होने के कारण संतानों का प्रोग्रेस होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, यात्रा प्रवास ट्रेवलिंग से आपको लाभ रहेगा, और दाम्पत्य जीवन में भी ये प्रसन्नता बढ़ाएंगे और मित्रों से भी आपको लाभ करवाएंगे, क्योंकि आपके लाभ स्थान के मालिक होकर आपकी राशि के अंदर आ चुके हैं। तो गुरु का ट्रांजिट आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला है। और गुरु अभी कनिष्ठ नक्षत्र में चल रहे हैं जो कि बहुत शुभ फल देने वाले हैं, और तमाम नक्षत्र वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि में शतभिषा के लिए भी शुभ है, कनिष्ठा के लिए भी शुभ है, पूर्व भाद्रपद के लिए मित्र है। कुंभ कनिष्ठा को इसका ज़्यादा फल मिलेगा क्योंकि आपके नक्षत्र में प्रबल राजयोग कारक बनेंगे। प्रबल गज केसरी योग जिसको बोलते हैं, पावरफुल गज केसरी योग का इफेक्ट आपको महसूस होगा। राजसिक जो बोले राजसिक इफेक्ट देने वाले हैं, सरकार से लाभ करने वाले हैं, माता से लाभ करने वाले हैं, पिता से लाभ करने वाले हैं, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से लाभ करने वाले हैं। घनिष्ठा वाले जातकों के लिए गुरु प्रबल कृपा करने वाले हैं। कुंभ घनिष्ठा के लिए जिनका भी जन्म का सूर्य घनिष्ठा है या तो जिनका जन्म का चंद्र घनिष्ठा है ये प्रबल गज केसरी योग के इफेक्ट में आ जाते हैं। तो प्रिडिक्शन में बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। 13 अप्रैल को मंगल भी राशि परिवर्तन करके चलेंगे पंचम स्थान के अंदर। जो वृषभ राशि में चौथे स्थान में चल रहे हैं, सुख स्थान में चल रहे हैं, ये इतना सुख फल देने वाला नहीं है, थोड़ा बिजनेस में करियर में रुकावट करने वाले हैं। लेकिन बदलने के बाद मंगल आपके लिए थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, बिजनेस करियर में इम्प्रूवमेंट होगा, और इसके साथ साथ आपको अपने इन लॉज के साथ रिलेशन में केयर करना होगा ये महीना पूरा, क्योंकि 10वें स्थान चौथा स्थान राहु केतु के इफेक्ट में तो है ही है। और बदलने के बाद मंगल पंचम स्थान में जाएंगे जो आपके अष्टम भाव में दृष्टि करेंगे, तो ये ट्रांजिट 8वें स्थान भी है वो आपके इन लॉज का देखा जाता है, माना जाता है। तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना होगा अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप के अंदर।
तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो 16 तारीख तक मीन राशि में है। धन स्थान के अंदर बुध नीच राशि के अंदर है, वाणी में सेम रखते हैं, खास करके कुटुंब के अंदर। वो 16 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करके चलेंगे पराक्रम स्थान के अंदर, मेष राशि के अंदर। तो बुध जो है वो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे, स्मॉल डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको लाभ करवाने वाले होंगे और बिजनेस में कैरियर में प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे। तो शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो 10 तारीख तक मीन राशि के अंदर है, धन स्थान के अंदर। शुक्र भी आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं और बदलने के बाद शुक्र आपके चलेंगे पराक्रम स्थान के अंदर। तो मेष राशि के अंदर शुक्र का भी फल आपके लिए शुभ है, यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको लाभ करवाएंगे और बदलने के बाद शुक्र का ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ फल देने वाला है। तो राहु चौथे स्थान में है, मकान वाहन प्रॉपर्टी लेने बेचने में केयरफुल रहना होगा और खास करके डेट्स आपको कौन कौन सा टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार रहेगा। 5, 6, 7 जिसमें चंद्र चलेंगे मकर राशि में, तो मकर के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र में आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 15, 16, 17 जिसमें चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में, राहु के साथ चलेंगे। तो यहाँ पर राहु के साथ चलने वाले चंद्र भी शुभ नहीं होंगे, ग्रहण योग के इफेक्ट में चौथे स्थान के चंद्र में आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 24, 25 और 26 जिसमें चंद्र चलेंगे कन्या राशि में, तो कन्या के चंद्र भी 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। तो यदि आपके एक मित्र हैं कोई कुंभ राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक का एक बटन तो जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार।